फ्रेंड्स, बच्चों, कारक प्रकरण के अंतर्गत हम अपादान कारक के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अपादान कारक के अब तक हमने जिन सूत्रों का अध्ययन कर लिया है वे सूत्र इस प्रकार से हैं, जैसे नंबर एक ध्रुवम अपाये अपादानम संज्ञा सूत्र, अपादाने पंचमी विधि सूत्र, वार्तिक जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम भीतरार्थानाम भय हेतु पराजेर असोढ़ है, ये हमने पढ़ा। वारणार्थानाम ईप्सित है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति आख्यातोप योगे। आज हम पढ़ रहे हैं जनि कर्तुः प्रकृति ही। बच्चों, हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग करते हैं से पृथक होने के अर्थ में। आचार्य पाणिनि के द्वारा सूत्र लिखे गए हैं, अपादान संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र तथा विधि सूत्र को पढ़ रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है जनि कर्तुः प्रकृति ही। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 30वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है। बच्चों, जायमानस्य हेतुर अपादानम् स्यात्। जन इति धातुः कर्ता यस्मात् जायते तस्य अपादानम् इति संज्ञा भवति। अपादाने पंचमी इति च सूत्रेण तत्र अपादान संज्ञा के शब्दे पंचमी इति विभक्तिर भवति। जन धातु का कर्ता जिससे उत्पन्न होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अपादान संज्ञक शब्द में अपादाने पंचमी इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों, संस्कृत उतनी ही सरल है जितने गणित तथा विज्ञान है। संस्कृत उतनी ही सूत्रात्मक भाषा है जितने गणित और विज्ञान है। कैसे? पहले हम एक सूत्र की व्याख्या करते हैं, फिर उस सूत्र के उदाहरण को सिद्ध करते हैं। जनि कर्तुः प्रकृति ही, जन धातु का कर्ता जिससे उत्पन्न होता है उसमें अपादान संज्ञा होती है, ठीक है, ये हमारा यह सूत्र कह रहा है। तो हमें एक वाक्य मिला, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, यह वाक्य हमें दिया गया। लेकिन मैं आपको एक बार व्याख्या करके बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें, यहाँ हम अपादान संज्ञा करें, वो देखें। सबसे पहले तो हम उस सूत्र का ध्यान रखेंगे। हमने देखा जनि कर्तुः प्रकृति ही, फिर हमने देखा उत्पन्न होता है, यहाँ पर जन धातु का प्रयोग हो रहा है। तो हमने देखा जन धातु का कर्ता, जन धातु का कर्ता कौन है, कैसे पता करेंगे आप? क्रोध उत्पन्न होता है, मैं कई बार आपको सिखा चुकी हूँ, जब हमें वाक्य में कर्ता को पता करना होता है उस वाक्य में क्रिया के अनुसार आप प्रश्न कीजिए, कौन उत्पन्न होता है, कौन का जो उत्तर होगा वह कर्ता होगा। कैसे? उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध हमारा क्या हुआ, कर्ता, ठीक है। अब जनि कर्तुः प्रकृति ही सूत्र कहता है कि जन धातु का कर्ता जिससे उत्पन्न होता है, जिससे, जिससे का उत्तर मिल गया हमें काम से, इसकी कौन सी संज्ञा हुई, अपादान, ठीक है। काम, राम की पंचमी क्या होती है बच्चों, रामात, काम की क्या होगी, कामात, कामात क्रोध है, क्रोध है जो है बच्चों यह पुल्लिंग शब्द है, राम के समान रूप चलेंगे इसके भी, जायते, जन धातु के रूप सेव के समान चलते हैं, जायते जायते जायन्ते। तो जितने भी हम सूत्र पढ़ रहे हैं वे सभी सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है। बच्चों, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, ब्रह्मा से, देखें ब्रह्मा से
प्रजा उत्पन्न होती है। वाक्य में मैंने कई बार कहा है, सबसे पहले हम बच्चों कर्ता और क्रिया को देखेंगे। प्रजा कर्ता उत्पन्न होती है, क्रिया ब्रह्मा से जन धातु का कर्ता जिससे उत्पन्न हो रहा है वह अपादान संज्ञक। अपादान संज्ञा में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति का प्रयोग, कर्ता में प्रथमा, क्रिया कर्ता के अनुसार। जो ब्रह्मा शब्द है बच्चों, इसका मूल हम देखेंगे, इसका मूल होता है ब्रह्मन, आत्मन के समान। प्रथमा द्वितीय में अलग रूप चलते हैं, शेष आत्मन के समान चलते हैं। आत्मन की पंचमी बनती है आत्मन है, संस्कृत बहुत सरल है। ब्रह्मन की क्या बनेगी? ब्रह्मण है, सरित सरित है, पुंस पुंस है। तो देखे ब्रह्मण है, प्रजा बहुवचन होगा बच्चों, प्रजा जायन्ते। बहुवचन होने से यहाँ हमने जायन्ते बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया है। ब्रह्मण है, प्रजा जायन्ते। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। जल धातु के बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष हमारा कर्ता, उत्पन्न होता है क्रिया। बीज से जन धातु का कर्ता जिससे उत्पन्न हो रहा है, जने कर्तुहु प्रकृति ही सूत्र, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति का प्रयोग क्या बनेगा? बीजात वृक्ष है जायते। गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, गोबर को गोमय कहते हैं बच्चों, और संस्कृत कितनी सरल है, कामात बीजात वृक्षात गोमयात। बिच्छू को वृश्चिक कहते हैं, वृश्चिकहा जायन्ते। ठीक है बच्चों, कीचड़ से कमल पैदा होता है, कीचड़ को क्या कहते हैं? पंक, पंकात। देखा आपने, गोमयात पंकात कामात सारे एक समान चलते हैं। पंकात कमलम जायते। कमलम यहाँ पर हमारा कर्ता है। बताइए मैंने कमलम का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कमल शब्द नपुंसक लिंग होता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहे, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाइए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।